पर वोट देंगे आप? साफ सफाई पर। साफ सफाई आर्थिक मुद्दे पर और जीएसटी को लेकर, क्योंकि मैं एक सीएस स्टूडेंट हूँ, जीएसटी का महत्व मुझे पता है। हर एक प्रोफेशनल फील्ड में सीईओ या सीएस, उसके बारे में सबको पता है कि जीएसटी कितना लाभदायक हुआ है। और बाकी मोदी है आतंकवाद को मिटाने वाला एक। मोदी ने जीएसटी लागू किया है तो मोदी को ही वोट देंगे? नहीं, मोदी ने जीएसटी लागू नहीं किया। जीएसटी का पहला प्रोसीजर था जो पिछले 2000 मतलब एक से चला आ रहा था, जो उसको प्रोसेस में लाने के लिए उसने पहले तो लागू किया, और जैसे बैट और ख़त्म होने वाली थी स्टेट पर्टिकुलर लगाती थी, उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सही तरीके से लागू करवाया वो मोदी। मतलब टोटली यू आर मोदी लवर। कांग्रेस से क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस से सबसे बड़ा पप्पू, दूसरा दिग्विजय सिंह, ठीक है, और तीसरा जो अभी चुनाव में जीती है कांग्रेस, उसके बाद से हमारा जो मेरा होम टाउन है लाइट वगैरह सब चले गए। और पता नहीं उन्हें कहा हाथ गवर्नमेंट कंपनीज पे ही नहीं है, कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमने लाइट काटी नहीं, उन्हें भी नहीं पता कंपनी लाइट क्यों काट रही है। तो इस कारण से बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस के। किस मुद्दे पर वोट करना है आपको इस बार? करप्शन और एजुकेशन और बेरोजगारी। क्यों? स्टूडेंट पे मायने रखता है, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी इंडिया में तो मतलब जो बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट वो बड़े घटेगा, और जो रोजगार मतलब युवाएँ हैं यहाँ उनको थोड़ी मतलब नौकरी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। पीएम कौन चाहिए, मोदी या राहुल? मोदी। मोदी क्यों पसंद है? एक लीडर अच्छे। राहुल पसंद नहीं? नहीं, राहुल पसंद तो है लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है, मतलब मोदी को वोट जा रहा है? हाँ। किन मुद्दों पर, किन नीतियों पर इस बार आप वोट करेंगे? मैं विदेश नीति पर इस बार वोट करूँगा। जी, विदेश नीति पर क्यों वोट करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे मोदी जी की जो विदेश नीति है वो बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से उन्होंने सारी कंट्री को आपस में मतलब इंडिया के खिलाफ जो थी उनको भारत के अगेंस्ट, उनको भारत के पक्ष में करके देश को एक ऐसा माहौल प्रदान किया है कि आज जो अटैक हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं जो पहले हो रहे थे, तो इसलिए मेरा वोट तो मोदी को जाना। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोदी की पसंद आई? मुझे उसकी जो चीज़ें पसंद आई जैसे जीएसटी, जिससे टैक्स जो कलेक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आया। और अभी जो बयानबाजी चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं साध्वी प्रज्ञा को। वो बयानबाजी तो चलते रहते हैं, तो पॉलिटिकल खेल है, वो एक दूसरे पर बयानबाजी तो करते रहते हैं, पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि चौकीदार चोर है, तो राहुल गांधी को ये नहीं करना चाहिए। क्यों? कांग्रेस ने तो किसानों को हर टाइम साथ खड़े रहे कांग्रेस, और उसके बाद में अभी 2 लाख रुपये माफ किए कांग्रेस ने, वो कुछ किया कांग्रेस ने, और बड़े हमारे राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता ने त्याग किया है देश के लिए, उनकी फैमिली को खोया है, बहुत कुछ किया हमारी सरकार ने। भाजपा ने कुछ नहीं किया? भाजपा ने कुछ नहीं किया, जो हमारी कांग्रेस सरकार ने जो ABCD होती है, जो आज तक ये रोड वोड बने हमारी कांग्रेस सरकार में होते बी तक, और उसके बाद में डी स्टेप पार किए बस बीजेपी ने, और कुछ भी नहीं किया है। और किसानों कांग्रेस ने क्या क्या किया है? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, किसानों को दिया है बहुत लाइट वाइट, बहुत सारी व्यवस्था की है। उसके बाद में हमारी कांग्रेस सरकार ने जो 72,000 रुपये भी किसानों को, ये अपने किसानों को देंगे हर महीने 6,000, उसके बाद कर्जा माफ किया, बहुत सारा कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है, और उसके बाद में राष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में तो भी सही हमारे। और इसके अलावा क्या बोलेंगे कांग्रेस के लिए? कांग्रेस हम तो खानदानी कांग्रेस है बचपन से, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, उसके लिए युवाओं के लिए अच्छी है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में जुड़ने से बहुत कुछ फ़ायदा है, और बीजेपी में जो है बस बीजेपी बड़े लोगों की सरकार है, बड़े अपने काश्तकार वगैरह मतलब ये बड़े जो रहते हैं जो अपने ये करते हैं बड़े जो रहते हैं सेठ वगैरह इनकी है, वो अंबानी बिरला इनकी सरकार है वो। आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस को ही वोट देंगे, किसान के बेटे इसलिए कांग्रेस को ही वोट देंगे, अभी कर्ज माफ़ी हुई है हमारी, उससे खुश है, कर्ज माफ़ी हुई है, राहुल जी ने बोला 72,000 रुपये का, तो मेन मुद्दा वो नहीं है 72,000 रुपये का, पर जो सरकार किसान के, किसान देश के लिए मेहनत कर रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, अब तुम उसी के नहीं हो तो फिर जिसके पक्ष में जो देश के पक्ष में उसी के साथ हम हैं। बयानबाजियाँ काफ़ी हो रही है अभी, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? बयानबाजी लोगों का काम है बोलना, अभी आपने जैसा देखा कि लग रहा था बीजेपी की सरकार बनेगी अभी मध्य प्रदेश में, पर कांग्रेस की सरकार बनी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार किसानों के हक में है, तो अभी अच्छा चल रहा है कांग्रेस का, तो मतलब वोट कांग्रेस को जा रहा है। कांग्रेस को वोट।
channel and press the bell icon for more updates.